आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी चार होम रेमेडीज के बारे में जो कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करेगा और उन लोगों का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल करेगा जो मेडिसिंस लेते हैं और उसके बावजूद भी उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। उन लोगों के लिए भी होम रेमेडीज बेनिफिशियल रहेंगी जिन लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो बॉर्डरलाइन से हाई रहता है लेकिन वो मेडिसिंस का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल PISNS। तो देखिए सबसे पहली चीज आती है गार्लिक यानी कि लहसुन। जो लहसुन है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है यानी कि ये आपके ब्लड प्रेशर को ही नॉर्मल नहीं करता है बल्कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लीवर को ठीक रखता है, आप लोगों का ट्राइग्लिसराइड को ठीक रखता है, आप लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको सही रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है और जो आपकी कार्डियो मस्कुलर हेल्थ है उसको भी सही रखता है, उसको भी एनहांस करता है। तो देखिए इतने सारे गुण हैं इस लहसुन में। अब इसको यूज़ कैसे करना है, मोस्टली अगर आप लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल भी पका करके यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि पकाने से इसके जितने भी गुण इसके अंदर होते हैं वो सभी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है कि आप लोगों को एक लहसुन की क्लोव लेनी है और उसको उसके छोटे छोटे से पीसेस कर सकते हैं और सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इसको चबा चबा कर खा सकते हैं या फिर आप इसे निगल भी सकते हैं। तो ये उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि चबा चबा कर खाना होता है। और दूसरी जो चीज़ है वो है पाउडर के रूप में इसको यूज़ करना। आप पाउडर कैसे बनाएंगे, लहसुन की जो क्लोव्स हैं वो लीजिएगा और फिर उसको धूप में सुखा लीजिए और फिर उसका पाउडर बना लें और सुबह खाली पेट आप लोगों को एक चौथाई चम्मच जो पाउडर है वो लीजिएगा और गुनगुने पानी के साथ खा लें। तो इससे क्या होगा कि ये ब्लड थिनिंग का काम करता है। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि एलिसिन नाम का होता है और ये खून को पतला करने का काम करता है। दैट मीन्स ये खून के थक्के जमा नहीं होने देता है, जो नसें हैं उन्हें ब्लॉक नहीं होने देता है। तो ओवरऑल आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसको सही रखता है और आपके बीपी को नॉर्मल रखता है। अब जो दूसरा कंपाउंड है वो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काले मिर्च में पेपरिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि क्योंकि काले मिर्च को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देता है। काले मिर्च की खुशबू है और जो हमें काले मिर्च की वजह से धसका लगता है वो भी पेपरिन के कारण ही होता है। पेपरिन का जो मेन काम होता है वो होता है खून को पतला करना और जब खून पतला होता है तो ना तो नसें ब्लॉक होती हैं और ना ही आर्टरीज में खून के थक्के जमते हैं। तो इसलिए जो ब्लैक पेपर है अगर आप लोग इसका डेली यूज़ करते हैं खाने में सैलेड के रूप में तो आप लोगों का जो हार्ट हेल्थ है वो सही रहती है, आपकी नसें हैं वो ब्लॉक नहीं होती हैं। इससे आप लोगों की जो नसों में इन्फ्लेमेशन आई हुई है, स्वेलिंग आई हुई है या फिर सूजन आई हुई है उसको ये ख़त्म करता है। दूसरी चीज़ जो काले मिर्च है उसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और जो पोटेशियम है उसका काम होता है खून को पतला करना, नसों में थक्के ना जमने देना, डाइजेशन को इम्प्रूव करना, लीवर हेल्थ को ठीक रखना, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने ना देना, एल को कम करना और HDL को बढ़ाना, यानी ओवरऑल जो आपकी कार्डियोमस्कुलर हेल्थ है उसको सही रखता है और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, आप इसको सैलड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप गुनगुना पानी लीजिए और उसमें दो चुटकी काली मिर्च डाल करके और सुबह खाली पेट इसको पीजिएगा तो आप लोगों की जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाएगी। और इसका एक बहुत ही अच्छा गुण है कि अगर आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस टाइम में आप लोग एक कप पानी में दो चुटकी काली मिर्च डाल करके और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दे सकते हैं। तो इससे जो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है वो जस्ट नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में। तीसरा आता है, जो
तीसरी होम रेमेडी है वो है अर्जुन की छाल। जी हाँ, अर्जुन की छाल हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए मानो वरदान है। इसमें को एंजाइम Q10 और अर्जुनॉइड नाम के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना यानी कि जो LDL है आपका उसको कम करना और जो HDL है उसको बढ़ा देना, आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी यही करता है। तो ओवरऑल जो अर्जुनॉइड है उसका काम होता है हार्ट को हेल्दी बनाना। जो को एंजाइम Q10 है उसकी हार्ट को बहुत ज्यादा जरूरत होने लगती है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये हमारे हार्ट में से कम होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घबराहट फील होती है, बहुत जोर जोर से धड़कता है और आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है। तो इसके लिए आप लोगों को अर्जुन की छाल का प्रयोग करना है। अब कैसे प्रयोग करना है अर्जुन की छाल का, तो हैं वो अर्जुन की छाल को पाउडर के रूप में लेना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अर्जुन की छाल कूट लीजिए और फिर उसके बाद में 1/4 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लीजिए और उसे गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए। या आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1/4 चम्मच अर्जुन की छाल लीजिए, उसको रात के समय में 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठ करके छान कर उसे पी लें। या आप लोग क्या कर सकते हैं, सुबह के समय ही अर्जुन की छाल 1/4 चम्मच लीजिए, 1 ग्लास पानी लीजिए, उसको डाल करके और बॉयल कर लीजिए तो, और फिर छान करके हल्का सा ठंडा होने पर इसको पी लें, तो इससे भी आप लोगों को काफी मदद मिलेगी अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में। अब जो चौथी चीज है वो है आंवला, जिसको कि इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर होता है और इसका काम ब्लड को प्योर करना होता है, ब्लड से टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं और हमारी हार्ट मस्कुलर हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना होता है, जो हमारा लीवर है उसको सही करना होता है, डाइजेशन को एनहेंस करना होता है, जो LDL है, VLDL है और टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करके HDL जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसको बढ़ाता है। जो आंवला है उसका जो मेन काम है वो है नसों को रिलैक्स करना, तो आपकी नसें हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको रिलैक्स करना, और जब वो रिलैक्स होकर के अपना काम करती हैं तो इससे जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वो नॉर्मल रहने लगता है। तो अगर कुछ टाइम तक आप आंवले का यूज करते हैं तो आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की ये खत्म हो जाती है। अगर आप लोग इसका डेली यूज करते हैं तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जो कि अगेन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी चीज है, इसको भी कम करने का काम करता है। तो आप लोग इसका यूज कैसे करेंगे, आप जो आंवले आते हैं ताजा आंवले जिसको हरे आंवले भी बोलते हैं, इसका जूस लेकर ले सकते हैं, या फिर इसको घिसकर सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, या आप लोग इसका मुरब्बा भी खा सकते हैं। वैसे जो फ्रेश आंवले होते हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल पंसारे की दुकान पर सूखे हुए आंवले आते हैं उन्हें ले लीजिए, और उन्हें लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसका पाउडर बना लेना है और इसको आप लोग सुबह के समय में दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, तो इससे आप लोगों की जो हार्ट हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहने लगेगा। ये वीडियो खत्म होते ही आप लोग मुझसे एक सवाल करेंगे कि क्या इन सारे ही चीजों को एक साथ यूज करना है, तो जी नहीं, इन सारी चीजों को एक साथ यूज नहीं करना है, आपको एक बार में एक ही चीज यूज करनी है। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है और आप लोग टैबलेट्स ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो आप लोगों को क्या करना है कि वो जो टैबलेट्स हैं वो अपनी बंद नहीं करनी है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसे एक सपोर्टिव कंटेंट के रूप में अपनी टैबलेट्स के साथ में लेते रहिए, तो एक टाइम बाद आप लोगों की जो टैबलेट्स हैं वो बंद हो जाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा। तरीके से अगर आप लोग इन चीज़ों का यूज करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, हार्ट हेल्थ बढ़ेगी और आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है वो नॉर्मल रहने लगेगा।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, थोड़ा सा भी काम आएगी वीडियो आप लोगों के, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जो कि परेशान हो चुके हैं हाई ब्लड प्रेशर में टैबलेट्स खा खा के। मेरी जो वीडियोस हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर अपलोड होती हैं। अगर आप किसी बीमारी पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं आपकी बीमारी पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।